आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 प्रकार के चावलों से 75 पदार्थ बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का संकल्प शेफ विष्णु मनोहर ने किया था। वे यह रिकॉर्ड 5 घंटे में पूरा करने वाले थे, लेकिन यह रिकॉर्ड उन्होंने समय से पहले बना लिया। सुबह 9:15 पर रिकॉर्ड बनाने की शुरुआत हुई और दोपहर ठीक 2 बजे रिकॉर्ड पूरा हुआ। शहर के शेफ विष्णु मनोहर ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने संडे को 75 विविध प्रकार के चावलों से 75 अलग अलग व्यंजन तैयार किए। यह रिकॉर्ड उन्होंने 4:45 में बनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव निमित्त उन्होंने इस उपक्रम में 75 क्वालिटी के चावलों से गुरगुटिया, बाम्बू शूट, पाफ्टा, भरडा, बेसन भात, रसम भात, बालघाटी चावल, लोभिया चावल, कोकम भात, कैरी भात, मेतकुट भात, हरियाली पुलाव, पायसम चावल की खिचड़ी, ओनियन राइस सहित 75 व्यंजन तैयार किए। जिलाधिकारी आर विमला ने उन्हें शुभकामनाएं दी। खाद्य आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता ने उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान चावल उत्पादक किसान दंपत्ति का भी सम्मान किया गया। प्रयास है, यहाँ 75 साल हो गए स्वतंत्रता के, उसके उपलक्ष्य में ये 75 टाइप के चावल बना के मैं ये मना रहा हूँ। और ये जो विक्रम है या ये प्रयास जो है वो मेरे किसान भाइयों के लिए समर्पित इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतनी मेहनत करके ये लोग चावल को उगाते हैं। तकरीबन 5,000 से ज़्यादा जाति चावल की है, तो उसको कहीं न्याय मिले, कहीं लोगों के समझ में आए, इसलिए मैं पकड़ता हूँ। क्योंकि आज मेरा व्रत है और मैं नमक नहीं खाती हूँ, तो मैं सोच रही थी मैं क्या खाऊँगी, तो अत्यंत स्वादिष्ट काजू मीठा पुलाव मैंने खाया है जो एक्सट्रीमली यूनिक था, माउथ वाटरिंग था। और विष्णु जी तो हमेशा हमारे लिए बहुत स्पेशल है, गाते अच्छा है, पोएम्स लिखते हैं और पकाते इतना अच्छा है। इट्स वंडरफुल टू बी हियर, आई एम रियली हैप्पी, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। कैमरा पर्सन सुभाष बूटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।